आप सब को जय। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, जल डालने वाला। शैतान जानता है प्रभु यीशु मसीह के आते ही उसके सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाए, उसे नर्क की भयंकर और भीषण अग्नि में डाल दिया जाए। सो अपने साथ आत्माओं को ले जाने के लिए वो मनुष्य की हृदय से इंसानियत को मिटाता जा रहा है। दोस्तों, आज के मनुष्य में पाए जाने वाली दया और रहम की भावना को वो शैतान समाप्त करता जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के परम भक्त राजा दाऊद के पुत्र अब्सालोम ने उसके साथ धोखा किया, उसके राज्यपाट, संपत्ति, वैभव और सारे अधिकारों को छीन लिया। पर फिर भी सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 18 अध्याय के 5 पद में लिखा वचन कहता है, उसमें दया थी, उसमें रहम थी, उसके दया और रहम के चित्र को यह पद प्रदर्शित करता। हालांकि बाद में पिता परमेश्वर ने अब्सालोम के कुकृत्य के लिए उसे दंड दिया। सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 18 अध्याय के 9 पद में लिखा है, एक बांज के वृक्ष में उसका सिर अटक गया, वो खच्चर पर चढ़कर जा रहा था और उसका गर्दन बांज के वृक्ष में अटक गया, खच्चर निकल गया और दोस्तों वो लटक गया, उसे मार डाला गया। सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 18 अध्याय के 30 पद में लिखे वचन के अनुसार, दुष्ट अब्सालोम की मृत्यु से राजा प्रसन्न नहीं हुआ पर अत्यंत दुखी हुआ। दोस्तों, जो अब्सालोम ने बोया था उसे वही काटना पड़ा। पर यह कहानी राजा दाऊद के हृदय में पाए जाने वाली दया, रहम और प्रेम का चित्र दिखाती है। दाऊद की प्रशंसाओं को सुनकर राजा साउल दाऊद का वैरी बन गया, उसे मार डालने का प्रयास किया, उसे भाले से मारा। पर दोस्तों, परमेश्वर राजा दाऊद के साथ था, वो हर बार बचता गया। इसके बावजूद भी सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 9 अध्याय और सामुएल की दूसरी पुस्तक उसके 19 अध्याय के 24 से 29 पद में लिखे वचन के अनुसार, वो सदैव साउल के पोते मपीबोशेत की देखरेख करता रहा। उसने अपने जीवन में इंसानियत के निस्वार्थ उदाहरण को प्रस्तुत किया। दोस्तों, आज प्रकाशित वाक्य में लिखी सभी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही है, इसके बावजूद भी न जाने क्यों लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। प्लीज इंसान बने, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। दोस्तों, प्रभु इस बार इंसानों को लेने आएगा। प्रत्येक बेरहम आदमी अपने स्वामी शैतान के साथ ही उसी के साथ ही नर्क की अग्नि में डाल दिए जाएंगे। प्रत्येक सुनने वालों के हृदय में परमेश्वर दया, रहम और इंसानियत की भावना को उत्पन्न करें, यही हमारी प्रार्थना है।